नमस्कार, मेरा नाम दीपिका है और आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गई हिंदी का नया टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने सर्वनाम किया था, आपको बताइए मैं क्लास में सीक्वेंस में ही वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो हमने लास्ट क्लास में सर्वनाम कंप्लीट किया था और अगर देखा जाए तो वर्ण विचार कंप्लीट हो गया है। शब्द विचार में हम लोग रचना कर चुके हैं, उत्पत्ति कर चुके हैं एंड हम लोग नाव अभी विकारी कर रहे हैं प्रयोग के आधार पर। और विकारी में से भी हमारा संज्ञा कंप्लीट हो गया, सर्वनाम कंप्लीट हो गया और आज हम लोग बात करेंगे धातु क्रिया के बारे में। ठीक है, फिर हम लिंग वचन और एक एक करके कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। जब हम बात करते हैं इसकी धातु की, तो धातु है क्या पहले उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उस वर्ड को समझते हैं। पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है कि धातु के अंतर्गत धातु किसको कहते हैं, धातु क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। किसको कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट आप ये समझोगे कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। इसका मतलब खा, पी, आ, जा, ले, दे, उठ, बैठ, ये जो है ये सब क्रियाएं हैं, इनसे क्रियाओं का निर्माण होता है। जैसे खाना, पीना, आना, खिलाना, खिलवाना, तो ये सब क्रियाएं हैं। ठीक है, आप देखोगे दूसरा पॉइंट आपको क्या समझना है। दूसरा पॉइंट ये है कि क्रिया का निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो जब हम धातु में है ना, या किसी भी मूल शब्द में, मूल क्रिया में क्या करते हैं हम, जब उसमें क्या जोड़ देते हैं, प्रत्यय जोड़ देते हैं। तो प्रत्यय जोड़ने से क्या होता है, क्रियाओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बेटा? क्रियाओं का निर्माण होता है या क्रियाएं का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेकेंड कॉन्सेप्ट हमने क्या देखा कि जब हम धातु के मूल शब्द, कोई भी हो सकता है, खा, आ, जा, कोई भी हो सकता है, उसमें अगर हम लोग कुछ क्या जोड़ दें, उसमें हम लोग प्रत्यय जोड़ दें। जैसे अब यहाँ पे हम लोग क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, धातु क्या है, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं खा, पी, है ना, आ, जा, उठ, ये सब जो है, ये जो एग्जाम्पल्स लिखे हैं ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, धातु के। और जब हम धातु में क्रिया का निर्माण करते हैं तो हम प्रत्यय लगा देते हैं। जैसे कौन कौन से प्रत्यय लगा सकते हैं हम लोग, तो प्रत्यय में हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे ना प्रत्यय लगा दें, आई प्रत्यय लगा दें, वाना प्रत्यय लगा दें, है ना, या फिर आना प्रत्यय लगा दें, या फिर हम लोग एक और काम कर सकते हैं, हम क्रियापद जोड़ के भी क्रियाओं का निर्माण कर सकते हैं। क्या कहा मैंने कि हम आई, आना, या फिर वाना या ना, या फिर हम क्रियापद जोड़कर क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर आपकी क्रियाओं का निर्माण कर सकते हैं। तो दो कॉन्सेप्ट समझ आए कि धातु किसे कहते हैं, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। और सेकंड पॉइंट हमने क्या सीखा यहाँ पर कि धातु जो है उससे हम क्रियाओं का निर्माण कर सकते हैं अगर उनमें हम कुछ प्रत्यय जोड़ दें, जैसे आना, वाना, है ना, या फिर क्या जोड़ सकते हैं, ना, आई, या क्रियापद जोड़कर क्रियाओं का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं हम क्रियाओं के भेदों की, धातुओं के भेदों की, कि किस तरीके से क्रियाओं का और अलग अलग तरीके से निर्माण किया जा सकता है। देखो यहाँ पे अब बात करेंगे हम लोग धातुओं के भेद की। देखा जाए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हम क्रिया ही पढ़ रहे हैं, हम कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे हैं, बट हम बेस पढ़ रहे हैं कि क्रियाओं का निर्माण होगा कैसे। ठीक है, अब आगे समझोगे क्रिया के भेद किस तरीके से बनते हैं। देखो यहाँ पे क्रिया के भेदों की बात कर रहे हैं, तो क्रिया के भेद हम दो रूप में देखेंगे यहाँ पे। एक हम रचना के आधार में, या फिर हम कह सकते हैं संरचना के आधार में, मतलब कैसे कैसे कर हम क्रियाओं का रचना कर सकते हैं। तो सब पॉइंट देखो कि कर्म के आधार पे, ज्यादातर एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो कर्म के आधार पे पूछे जाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसको भी ना पूछा जाए। ठीक है, दोनों को वैल्यू देना है, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है हर एग्जाम में अगर देखा जाए तो वो आपका कर्म के आधार पे पूछा जाता है। तो कर्म को हमने दो भागों में बांटा है, सबसे पहला जिसको कहते हैं हम लोग सकर्मक, क्या कहेंगे बेटा इसको हम लोग, सकर्मक, और दूसरा कौन सा हो जाएगा हमारा, अकर्मक। ठीक है, अब सकर्मक और अकर्मक के भी भेद बनाए गए हैं, बट अकर्मक के भेद नहीं है, यहाँ पे सकर्मक के भेद हैं। सकर्मक को यहाँ पर हम आवश्यकता अनुरूप दो भेदों में बांट रहे हैं। सबसे पहला जो है उसको कहते हैं हम लोग एक कर्मक, जहाँ एक कर्म का प्रयोग होता है, और दूसरा कौन सा हो जाएगा हमारे पास, द्विकर्मक, जहाँ पर दो कर्म का प्रयोग होता है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सकर्मक के दो भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक, बट अकर्मक का कोई भेद नहीं होता, इसलिए हमें उसे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से अच्छे से समझ आ गया, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। रचना के आधार पर जब हम बात करते हैं तो रचना के आधार पर बहुत सारे हैं, देखा जाए तो कई बुक्स में पांच लिखे हुए हैं, बट ये फिक्स्ड है, ये फैक्ट है, आप रट सकते हो, दिमाग बैठा सकते हो कि कर्म के आधार पर दो ही भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। क्रिया के आधार पर भी बोलते हैं इसको, कर्म और क्रिया दोनों इक्वल होता है बेटा। आप देखोगे यहाँ पे
अगर हम रचना के आधार पर बात करें तो रचना के आधार पर बहुत सारे हैं हमारे पास, जैसे सहायक क्रिया है, ठीक है। दूसरा अगर बात करें तो हम लोग संयुक्त क्रिया है। तीसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं पूर्वकालिक क्रिया की, ठीक है। इसके बाद चौथे नंबर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं तत्कालिक क्रिया की, या तात्कालिक क्रिया की भी बात कर सकते हो। पर और एडिशनल बता देती हूँ, एक आपका और आधार है जिसको हम लोग बोलते हैं नाम धातु, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं प्रेरणार्थक की, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और फिर हम बात कर सकते हैं यहाँ पे सम्मिश्र धातु की, और यहाँ पे हम बात कर सकते हैं किसकी, सम्मिश्र धातु के अलावा अनुकरणात्मक धातु की। अनुकरणात्मक के बाद हम लोग यहाँ पर आठवें नंबर पर अगर बात करें तो थोड़ी लाइट हो गई है इंक, इसको थोड़ा सा खाना पीना दे दूँ मैं, नहीं तो तुम लोगों को दिखाई नहीं देगा तो मैं क्या लिख रही हूँ, है ना। चलो क्या करें, अब एडजस्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आठवें नंबर पर किसकी बात कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर समापिका क्रिया की बात कर सकते हैं, ठीक है। और फिर नाइन्थ नंबर पर हम लोग असमापिका क्रिया की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। और कौन कौन से हैं हम और भी बात कर सकते हैं, हम लोग सामान्य धातु की भी बात कर सकते हैं। सामान्य धातु बहुत सारे हैं बेटा, अगर एग्जाम में देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब हम लोग तात्कालिक क्रिया की बात कर सकते हैं, या तात्कालिक क्रिया की बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो है बहुत सारी क्रियाओं के भेद देखने को मिलेंगे। अब तुम देखोगे मैम इतनी सारी क्रियाएं हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं आप लोग, कि ये जो है सब क्रियाओं के भेद हैं। तो यहाँ पर हमने कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर और किसकी बात की है हमने, यहाँ पर उनके अलग अलग भेदों की बात की है। मेरे ख्याल से इतना समझ आ गया है अच्छे से, पर एक साथ आज ही की क्लास में मैं पूरा क्लियर नहीं कराऊंगी। आज मैं सिर्फ धातु के भेद बता रही हूँ और फिर धीरे धीरे करके इनको एक एक करके एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग धातु के भेद देखेंगे। यहाँ पे मैंने रचना के आधार पे दिखा दिया, कर्म के आधार पे दिखा दिया, बट अब हम लोग स्पेशली जो धातु के भेद पूछे जाते हैं कितने होते हैं, वो पाँच होते हैं। इन्हीं में से वो पाँच भेद वो मैं आपको कराती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बहुत सारी क्रियाएँ करेंगे, पर अभी एक एक करके धातु के भेद को हम समझते हैं और फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो ये छोटी मोटी और क्रियाएँ हैं जो एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब धातु के भेद की जब हम बात करते हैं तो धातु के भेद में सबसे पहला जो पॉइंट आता है उसको कहते हैं सहायक क्रिया। क्या है वो? सहायक क्रिया, सॉरी सहायक क्रिया नहीं, सामान्य धातु से शुरू कर रहे हैं सामान्य धातु, ठीक है। तो धातु का सबसे जो पहला भेद है उसको कहते हैं हम सामान्य धातु। अब सामान्य धातु है क्या? जब हम क्रिया के मूल रूप में, क्या कह रही हूँ मैं, क्रिया के, या सिंपल सी बात कहती हूँ, मूल धातु में, किसमें, मूल धातु में जब हम ना प्रत्यय जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं बेटा हम, जब ना प्रत्यय जोड़ दें तो क्या बन जाता है हमारा, सामान्य धातु बन जाता है। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब मूल धातु में हम ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो सामान्य धातु बन जाता है। जैसे खा में ना लगा दे तो क्या बन जाएगा, खाना, खाना पीना, आना जाना, है ना, दौड़ना, भागना, मारना, पीटना, उठना, बैठना, सब में क्या लगा रही हूँ मैं, ना लगा रही हूँ। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी शब्द ले लो और उसके पीछे मूल धातु है ये, उसके पीछे अगर ना लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, उठना, ठीक है। इसको कहते हैं सामान्य धातु, उठना, बैठना, चलना, तो जिसके पीछे ना लगा हो क्या होता है, सामान्य धातु होता है। सेकेंड अगर हम बात करें तो व्युत्पन्न धातु की बात करते हैं। व्युत्पन्न धातु क्या होता है, देखो व्युत्पन्न धातु को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है प्रेरणार्थक धातु। क्या नाम है? प्रेरणार्थक धातु। अभी प्रेरणार्थक धातु किसको कहते हैं, प्रेरणा दे रहा है किसी को। व्युत्पन्न अगर बात करें तो व्युत्पन्न शब्द जो है वो यण संधि का शब्द है, वी जमा उत्पन्न, है ना, विशेष रूप से उत्पन्न या दूसरे रूप से उत्पन्न। अगर देखा जाए प्रेरणार्थक तो यहाँ जो है कर्ता स्वयं कार्य ना करकर दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है। यहाँ पे करता ना कोई काम खुद नहीं करता है, क्या करता है यहाँ पे, वो दूसरों से करवाता है। जैसे माता अपनी बेटी से खाना बनवा रही है तो क्या माता बना रही है, नहीं, यहाँ बना कौन रहा है खाना, बेटी बना रही है। वैसे ही मालिक बच्चों से पेड़ उगवा रहा है, तो मालिक खुद तो नहीं उगा रहा ना, कौन उगा रहा है यहाँ पे,
पेड़ उगा रहे हैं, बच्चे उगा रहे हैं। तो जहाँ पर हम खुद काम ना कर कर किसी और को कार्य करने का मतलब ऑर्डर तो नहीं कह सकते, किसी और से काम करवा रहे हैं। जैसे एक डांसर है या नृत्यांगना है, वो अपने बच्चों को नृत्य सिखा रही है, तो वो तो यहाँ खुद सिखा रही है। बट अगर मैं कहूँ कि एक माता नृत्यांगना से बच्चों को डांस सिखवा रही है, तो वह माता सीख नहीं रही है ना सिखा रही है, कोई और ही वहाँ पर कार्य कर रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को माइंड में सेट रखोगी कि यहाँ करता खुद कार्य नहीं करता, बल्कि किसी और को कार्य करने की प्रेरणा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेरणार्थक को दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? दो भागों में। सबसे पहला जो है उसको हम लोग कहते हैं प्रथम प्रेरणार्थ। क्या कहेंगे प्लस को? प्रथम प्रेरणार्थ, शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। इसको कहते हैं द्वितीय प्रेरणार्थ। क्या कहेंगे प्लस को? द्वितीय प्रेरणार्थ। ठीक है, अब प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होता है, ध्यान रखोगे जो यहाँ पे है ना, इसका फ्लो आगे जाएगा। जैसे उठना तो उठाना उठवाना, ठीक है, चढ़ना तो चढ़ाना चढ़वाना, पकड़ना पकड़ाना पकड़वाना, देखना दिखाना दिखवाना, देना दिलाना दिलवाना, सीखना सिखाना सिखवाना। तो सिखाना किसी और को सिखा रहे हैं, सिखवाना तो क्या हो रहा है, कोई थर्ड पर्सन। तो ध्यान रखोगे यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों फ्लो में बनते हैं। किसका फ्लो? इसका फ्लो में बहुत अच्छे से बन जाएगा तुम्हारा। जैसे रो रोना, रोना रुलाना रुलवाना, जाना भेजना भिजवाना, ठीक है, इस तरीके के फ्लो में बनेगा। तीसरे की जब हम बात करते हैं तो तीसरा जो है वो हमारा नाम धातु आता है। तीसरा कौन सा है हमारे पास? नाम धातु। अभी नाम धातु क्या होता है, देखिए नाम धातु में तीन चीज आपको याद रखनी है, एक तो संज्ञा याद रखना है, एक सर्वनाम याद रखना है आपको, ठीक है, और तीसरा आपको याद रखना है विशेषण। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण। तो यहाँ पे आपको तीन चीजें नजर आ रही हैं। इन तीनों चीजों में, ये तीनों शब्द है हमारे पास, अगर इन तीनों शब्दों में हम क्या कर दें, कोई भी आना प्रत्यय जोड़ दें। इन तीनों शब्दों में क्या जोड़ दें हम लोग? आना प्रत्यय जोड़ दें। तो आना प्रत्यय जोड़ने से वो किसमें बदल जाएगा? वो आपके नाम धातु में बदल जाएगा। अब ध्यान रखना है इसमें तीन शब्दों की बात करें तो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण। संज्ञा शब्द में हम कोई भी ले सकते हैं, विशेषण में भी ले सकते हैं। इससे हाथ शब्द संज्ञा है, इसका क्या बन जाएगा? हथियाना। अब और भी शब्द ले सकते हैं हम लोग, जैसे लालच शब्द विशेषण है तो क्या बन जाएगा? ललचाना। पर इसका ध्यान रखना, इसका व्युत्पन्न धातु नहीं बनता, इसका फ्लो नहीं बनता। आप बहुत अच्छे से पहचान सकते हो क्योंकि आना प्रत्यय वहाँ भी लग रहा था। प्रेरणार्थक में देखा जाए तो हम देखें तो देखना के बाद दिखाना में भी आना लग रहा था, दिखवाना में वाना लग रहा था, तो आना प्रत्यय तो वहाँ भी लग रहा था। बट वहाँ फर्क कितना है कि वो फ्लो में चलेगा, ये फ्लो में नहीं चलेगा। समझिए, देखो फिर से समझोगे। जैसे हम लोग अगर मान लो यहाँ पे शर्म लेती हूँ, तो शर्म का ये नहीं बनेगा, शर्म का क्या बनेगा? शर्माना। आना तो लग रहा है बट इसका फ्लो नहीं बनेगा, शर्मवाना बिल्कुल भी नहीं बन रहा। उसी तरीके से लालच का ललचाना, लज्जा का लज्जाना, शर्म का शर्माना, लात का लतियाना, है ना, साठ का सठियाना और गरम का गरमाना, है ना। तो बहुत सारे शब्द बनते हैं इससे। सर्वनाम का शब्द भी ले लो, आप से क्या हो जाएगा? अपनाना। तो ये जो सारे शब्द हैं इनमें हमने क्या देखा कि ये नाम धातु बन रहे हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है कि संज्ञा शब्द, सर्वनाम और विशेषण, इन तीनों के पीछे अगर हम लोग आना प्रत्यय लगा दें तो वो क्या बन जाएगा? आपका नाम धातु, बट उसका व्युत्पन्न धातु नहीं बनता। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं हम लोग, चौथे नंबर पे बात करेंगे। तो यहाँ पे मेरी उनसे उम्मीद है आपको समझ आ रहा है। चौथे नंबर पर जब हम बात करते हैं तो चौथा नंबर किसकी बात करेंगे हम लोग यहाँ पर? आपके सम्मिश्र धातु की। किसकी बात कर रहे हैं? इनका सम्मिश्र धातु की। सम्मिश्र धातु का मतलब क्या होता है? सम्मिश्र धातु का मतलब होता है जहाँ पर हम किसी चीज़ का मिश्रण कर रहे हैं, किसी चीज़ को मिला रहे हैं। और मिला क्यों रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गई हमें मिलाने की? जब कभी कोई क्रिया अपना सार्थक अर्थ नहीं दे पाता है, कोई शब्द कोई अपने सार्थक क्रिया नहीं बन पाती है, तो हम क्या करते हैं, उसमें कोई चीज़ ऐड कर देते हैं। लाइक हम लोग जैसे बोलते हैं आई डू, है ना, तो अंग्रेजी में क्या बोलते हो? आई डू। आई डू का मतलब आप समझ आते हैं कि मैं कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, ठीक है। बट हिंदी में मैं काम नहीं या मैं कर बोलने से वो क्लियर नहीं होता जब तक कि उसके पीछे कोई सहायक क्रिया ना लग जाए या कोई क्रियापद ना लग जाए। तो यहाँ ध्यान रखोगे सम्मिश्र धातु में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर कोई भी क्रियापद ऐड करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं, संज्ञा की बात कर सकते हैं हम लोग, यहाँ विशेषण की बात कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम क्रिया विशेषण की बात कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो भी तीनों शब्द हैं
अगर इन तीनों के पीछे हम लोग क्या लगा दें, इन तीनों के पीछे अगर हम क्रियापद लगा दें, अब कॉन्सेप्ट आता है कि क्रियापद बोलते किसको है बेटा। क्रियापद का मतलब होता है जैसे आना, जाना, करना, मारना, है ना। जैसे तुम लोग कहते हो ना ले जाना, ले भी तो क्रिया ही है ना, और उसके पीछे क्या लगा दिया, जाना। अब नाम शब्द है पर वो क्रिया नहीं है, पर नाम होना, नाम करना, नाम मिलना क्या बन जाएगी, वो क्रिया बन जाएगी। उसी तरीके से छेद शब्द ले लो, तो छेद कोई क्रिया थोड़ी है, पर छेद करना, छेद होना क्रिया बन जाता है। पसंद कोई क्रिया नहीं है, पर पसंद करना, पसंद होना, है ना, तो ये क्रिया लग जाती है। नज़र कोई क्रिया नहीं, पर नज़र लगना, है ना, तो नज़र होना, तो ये सब क्रिया बन गई। रिश्वत शब्द भी कोई क्रिया नहीं है, पर रिश्वत लेना, रिश्वत देना, रिश्वत खाना क्रिया बन गई। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कई शब्द जो हैं क्रिया नहीं हैं, पर उन्हें क्रिया बनाई जाती है आवश्यकता के अनुरूप। तो कैसे बनाएं, तो वहाँ पे हम क्या कर देंगे, उनके पीछे क्रियापद लगा देंगे। पर क्रियापद कौन सा लगाएंगे, तो क्रियापद में हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा डार्क कर दूँ, ये तो तुम्हें देखने में तकलीफ हो जाएगी, है ना। चलो देखते हैं यहाँ पे क्रियापद में कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे मान लो क्रियापद के अंतर्गत हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे आना हो गया, जाना हो गया, होना हो गया, ये सब क्रियापद है बेटा, ठीक है। या मारना हो गया, जैसे चक्कर मारना, चक्कर कोई क्रिया थोड़ी है, बट चक्कर के पीछे मारना लगा दो, चक्कर मारना क्रिया बन गया, है ना। उसी के साथ साथ क्या हो सकता है, हक मारना, धक्का मारना, तो ये सब क्रियाएं बन जाती हैं। पसंद होना, पसंद करना, पसंद कुछ भी बना लो, क्रिया किसी भी बना लो, तो सब में क्रिया बन जाती है। जैसे खा जाना, पी जाना, ले जाना, दे जाना, तो सब में जाना जाना लगाकर हमने क्या बना दिया, क्रियापद है जाना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्रियाओं का निर्माण करते हैं। तो हर किसी का एक अलग अलग समझना है आपको कॉन्सेप्ट। हमारे धातु में हमने क्या किया था कि इस पर ना प्रत्यय लगाया था, खाना, पीना, आना, जाना, देखना, उठना, बैठना, मारना, पीटना, ले जाना, है ना, सॉरी लेना, ले जाना नहीं, लेना। अब व्युत्पन्न धातु में क्या होता है, व्युत्पन्न धातु के दो भेद हैं। यहाँ पे आपको व्युत्पन्न धातु में एक चीज़ और बताई कि यहाँ पे कर्ता जो है स्वयं कार्य नहीं करता, बल्कि किसी और को कार्य करने की प्रेरणा देता है। तो इसके दो भेद बताए, प्रेरणा था कि प्रथम और द्वितीय। इन दोनों में सिर्फ इतना फर्क है कि ये दोनों फ्लो में चलते हैं, और यहाँ पे कर्ता स्वयं कार्य ना कर किसी और पर अपना प्रभाव डालता है। जैसे पढ़ाना पढ़वाना, सिखाना सिखवाना, पर सीखना नहीं है, पढ़ना नहीं है, पढ़ाना पढ़वाना, सिखाना सिखवाना, दिखाना दिखवाना, ठीक है। पर जब इसका फ्लो नहीं बनता है, वो किसमें नहीं बनता, वो नाम धातु में नहीं बनता, तो हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों में आना प्रत्यय लगाकर क्या बना लेते हैं, नाम धातु। जैसे लालच ललचाना, शर्म शर्माना, गरम गरमाना, हाथ हथियाना, साठ सठियाना, है ना, बहुत सारे शब्द, लंगड़ा का लंगड़ाना, तो कुछ भी शब्द आप बना सकते हो, तो क्या हो जाएगा, वो आपका नाम धातु बन जाएगा। बट नाम धातु का फ्लो प्रेरणार्थ जैसा नहीं बनता, इसलिए आप उसको बहुत अच्छे से कंपैरिजन कर सकते हो दोनों को। तीसरा जो है हमारे पास सम्मिश्र धातु है। सम्मिश्र धातु की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे संज्ञा विशेषण क्रिया विशेषण, इन तीनों शब्दों के पीछे हम क्या करते हैं, आपको कोई भी क्रियापद लगा लेते हैं, जैसे आना, जाना, होना, देना, आना, सब कोई भी बना लो। बट ये शब्द जो है ये अपने आप में क्रिया नहीं होते हैं, स्पष्ट अर्थ नहीं देते हैं, इसलिए इनके पीछे हम लोग क्या करते हैं, क्रियापद लगाते हैं, ताकि क्रियापद लगने से वो पूर्ण रूप में क्रिया का रूप धारण कर लें, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से अच्छे से समझ आ गया। अब जो पांचवा भेद है, जो पांचवा भेद है उसको हम कहते हैं अनुकरणात्मक धातु। क्या कहेंगे बेटा, अनुकरणात्मक धातु। अब ये अनुकरणात्मक धातु क्या होता है, अनुकरणात्मक का मतलब होता है अनुकरण करने वाला, पर किसका अनुकरण करेगा, यहाँ पे अनुकरण करेगा तो ध्वनियों का, साउंड्स का। जो हमारे आसपास बहुत सारे साउंड्स आपको सुनाई देते हैं, जैसे चूड़ियों का आपका क्या होता है, खनखनाना, है ना, पायल का छनछनाना, और मक्खियों का क्या होता है, भिनभिनाना। तो भिन भिन तो शब्द है, पर क्रिया कैसे बनी, भिनभिनाना, है ना, चहचहाना, और क्या हो सकता है, बहुत सारे हैं, झुनझुनाना, कलकलाना, है ना, झरझराना, तो बहुत सारे शब्द हैं, रंभाना, बलबलाना, है ना, या फिर और क्या हो सकते हैं, दहाड़ना, तो ये क्रियाएं हैं। तो जब हम किसी साउंड, मतलब क्या कह सकते हूँ मैं, ध्वनि, किसी भी ध्वनि शब्द के पीछे क्या करूं, अगर मैं आना प्रत्यय लगा दूं, पर आना बेटा हर जगह लग रहा है, पर आना किसके हैं, साउंड के पीछे लगाएंगे तब वो अनुकरणात्मक बनेगा। जैसे चहचहाना, भिनभिनाना, है ना, कलकलाना, झरझराना, और क्या क्या होता है, बहुत सारे शब्द हैं, धड़कना,
तो आना करते लग रहा है, कई जगह पे साउंड इफेक्ट थोड़ा सा चेंज हो सकता है, बट ऑलमोस्ट साउंड जो है वो इक्विवेलेंट होता है, आना प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पर कितने भेद पढ़े, पांच भेद पढ़े, और पांचों भेदों में अलग अलग चीज़ों की जानकारी मिल रही है। ये है क्रिया, कोई नई चीज़ नहीं पढ़ रहे हो, कन्फ्यूज मत होना कि कोई नई चीज़ पढ़ाई है मैंने, मैंने बहुत नॉर्मल चीज़ पढ़ाई है, मैंने बेस पढ़ाया है, क्रिया का बेस पढ़ाया है। ये धातु कितने प्रकार की होती है और उन धातुओं से क्रियाओं का निर्माण कैसे होता है, जब तक हम लोग बेस चीज़ को नहीं जानेंगे तो एग्जाम में हमें बहुत कन्फ्यूजन होती है कि इसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा। कॉन्सेप्ट हम ज़रूर समझते हैं, पर कॉन्सेप्ट से ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश करना कि एग्जाम में इसको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन भी लेकर आऊँगी मैं आप लोगों के लिए, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ, तब तक मैं थोड़ी सी टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ कर लूँगी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चन भी क्रिएट कर सकूँगी, स्क्रीन पर सेट कर सकूँगी। ठीक है, तो अभी जो है आप लोग फिलहाल के लिए धातु करें रिवाइज, और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी क्रिया के भेद, जिसमें सकर्मक अकर्मक सहायक क्रियाएं सम्मिश्र क्रियाएं सारी जो भी हैं हम पूर्वकालिक क्रियाएं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में पूछी जाती हैं उसको पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उम्मीद करती हूँ आप सभी को क्लास समझ आ रही है और बच्चे बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन सभी बच्चों को थैंक्स, और मेरे साथ बने रहें, कोशिश करूँगी मैं आप लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरूँ। नमस्कार।